ज एंड वेलकम टू द्लीट पाइथन सीरीज जिसके अंदर हम पाइथन लैंग्वेज को कवर कर रहे होंगे इस सीरीज को कम्पलीट करने के बाद अगर हमारा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की तरफ है तो जाकर हम मशीन लर्निंग सीखने के लिए सक्षम होंगे या फिर अगर हम वेब डेवलपमेंट की डोमेन में बाद में जाना चाहते हैं हम जैंगो जैसे फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना चाहते हैं वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसे भी जाकर सीख पाएंगे इस सीरीज के अंदर हम इस तरीके से पढ़ रहे होंगे की आज हो सकता है कि हमें एक भी लाइन ऑफ कोड लिखनी ना आती हो बट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम अच्छा

इस पाइथन सीरीज को स्टार्ट करने के लिए देर आर नो हम बिल्कुल कर अप करते जा रहे होंगे अपनी सीरीज के अंदर लेक्चर्स के अंदर हम थ्योरी कॉन्सेप्ट को तो पढ़ेंगे पर उसके साथ में हम बहुत सारा कोड लिखने वाले चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए एंड उसके साथ में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हुँगे. और इसके साथ में सीरीज की जितने भी स्लाइड्स हैं, नोट्स हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे तो शुरुआत करते हैं अपनी पाइथन सीरीज के लेक्चर वन के साथ जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके अंदर पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट लेना वेरिएबल्स क्या होते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अपने लेक्चर वन के अंदर कवर कर रहे होंगे अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यानी एक हमारे पास मेरी मशीन होती है ये मशीन हमारा लैपटॉप भी हो सकता है हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है एंड दूसरी चीज जो हमारे पास होती है वो होता है कोड और हम क्या करते हैं हम कोड लिख कर एक मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको हम एक प्रोग्राम कह देते हैं यानी अगर मुझे अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी अब कंप्यूटर को हमारी तरह हिंदी इंग्लिश नेपाली मराठी ये सारी भाषाएं तो समझ में नहीं आती तो इसीलिए

हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जिन लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर से बात करते हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा भी हो सकती है सी पी एस भी हो सकती है जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है एंड यहां पर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे होंगे उसको हम कहते हैं पाइथन यानी हम जितना भी कोड लिखेंगे कंप्यूटर से काम करवाने के लिए लैपटॉप से काम करवाने के लिए बेसिकली अपनी मशीन से काम करवाने के लिए वो सारा का सारा कोड हमारा पाइथन में होने वाला है लेकिन इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है अब मशीन को डायरेक्ट

की language में इसीलिए को को हम एक high level language कहते हैं तो का काम होता है high level language को directly low level languages या फिर machine level languages के अंदर कन्वर्ट करना ये हमारे इंटरप्रेटर्स भी हो सकते हैं तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है जो हमारे पाइथन के कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन की फॉर्म में तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी मुझे अपने कंप्यूटर से अपनी मशीन से कुछ काम करवाना होगा मुझे उसको पाइथन का कोड लिखकर देना पड़ेगा अब बात करते हैं पाइथन पाइथन क्या होती है Python समझने से पहले उसके कुछ कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए पहली बात तो पाइथन बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है मतलब इतने सारे सर्वे हर साल होते हैं जिसमें बोला जाता है कि पाइथन वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेजेस है टू स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग या फिर टू स्टार्ट विद कोडिंग एज अ बिगिनर तो बिगिनर्स के लिए अगर पाइथन में स्टार्ट करना है कोडिंग तो बिल्कुल हमें

कोड अब पाइथन का कोड लिखने से पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर दो चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले हमें पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन डेफिनेटली हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जब हम पाइथन का कोड लिखें तो वो पाइथन के कोड को पहचान सके उसको रन कर सके उसे एग्जीक्यूट कर सके एंड विजुअल स्टूडियो कोड को हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ डिजिटल नोटबुक अभी तक स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जितनी भी चीजें हम लिखते आए हैं जितनी भी पढ़ाई हम करते आए हैं सारी हम नोटबुक्स के ऊपर करते थे पर कोड को हम पेपर

अब विंडोज पर पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर जा सकते हैं वी कैन गो टू क्रोम एंड वी कैन सर्च फॉर डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज हमारे पास जो सबसे टॉप पर लिंक आएगा उस लिंक पर हमें जाना है उस पर हमें क्लिक करना है ये लिंक होगा पाइथन डॉट ऑर्ग का जब हम इस लिंक पर जाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा येलो कलर का बटन होगा जिस पर डाउनलोड पाइथन थ्री पॉइंट वन टू पॉइंट वन आ रहा है अगर हम इस लेक्चर को बाद में कभी देख रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास पाइथन का वर्जन अपडेट हो गया हो और कोई लेटेस्ट वर्जन वहां पर अवेलेबल हो तो हम चाहे तो हम कोई डिफरेंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं तब भी हमारे लेक्चर को हम पूरी तरीके से फॉलो कर पाएंगे चाहे तो हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं नहीं तो ऊपर जो डाउनलोड्स लिखा आ रहा है वहां पर जाने के बाद हमारे पास पाइथन का ऑप्शन आएगा इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड हमारा पाइथन डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है अपनी एक सी फाइल पर हम चाहे तो डबल क्लिक कर सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी जिसमें हम रन पर क्लिक करेंगे एंड हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास विंडो के ऊपर दो चेक बॉक्सेज होते हैं जिन्हें हमें हमेशा चेक करना है इसमें सबसे पहला है एडमिन प्रिवलेजेस के लिए जिसे हम टिक करेंगे एंड दूसरा है .exe के लिए जिसे भी हमें टिक करना है टिक करने के बाद हम अपने इंस्टॉल नाव पर क्लिक करेंगे एंड हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा सेटअप वो सक्सेसफुल एंड हम सिंपली अपनी इस विंडो को कर सकते हैं क्लोज अब नेक्स्ट हम डाउनलोड करने वाले हैं पाइथन का यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं और अपने पाइथन डाउनलोड को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लेक्चर को कभी बाद में देखने तो हो सकता है आपके पास और भी अपडेटेड वर्जन हो और लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो तो हम चाहे तो उस लेटेस्ट वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे लेक्चर को फॉलो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें डाउनलोड कर लेना है हम चाहे तो डाउनलोड्स के अंदर अपने पैकेज को सेव कर सकते हैं जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा अपने पैकेज के ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे एंड हमारे पास हमारी इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी इंस्टॉल करने के लिए वी कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद हम अग्री कर देंगे फिर हमारे पास हमारे पासवर्ड को एंटर करने वाली विंडो आएगी इसमें हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो गई हम इस विंडो को कर सकते हैं क्लोज विंडो को क्लोज करने के बाद हम चाहें तो इंस्टॉलर को कीप भी कर सकते हैं या फिर हम इसे मूव कर सकते हैं टू द बिन अब अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई तो उसके लिए एक तरीका है कि हम अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं एंड टर्मिनल के अंदर वी कैन टाइप दिस कमांड पाइथन थ्री डैश डैश वर्जन इसे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास पाइथन का जो भी करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन है वो प्रिंट होकर आ जाएगा जिससे वेरीफाई हो गया कि सक्सेसफुली पाइथन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है ये सेम कमांड मैक के अंदर भी वर्क करेगी एंड इस सेम कमांड को हम विंडोज के अंदर भी रन कर सकते हैं अब नेक्स्ट हम इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड वीएस कोड तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है यहां पर साइट भी मैं बता देती हूं कोड डॉट विजल स्टूडियो डॉट कॉम स्लैश डाउनलोड अब इसमें काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं अब आप विंडोज मशीन पर हैं विंडोज सेवन एट टेन इलेवन पर तो यहां पे आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि सिक्सटी फोर बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है थर्टी टू बिट है तो कौन सा डाउनलोड करना है मोस्टली लोगों का जो है सिक्सटी फोर बिट सिस्टम होता है तो इसको आप यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं अब जब

सबसे पहले मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूंगी न्यू फाइल पर जाकर मैं टेक्स्ट फाइल को क्लिक कर दूंगी तो मेरे लिए क्या हुआ एक टेक्स्ट फाइल बन गई है मतलब जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर फाइल बनती है इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ यहाँ पर ये फाइल का सिंबल होता है एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर पर क्लिक करके मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन से फोल्डर पर हूँ यहां पर मुझे दिख रहा है कि अभी तक मैंने किसी फोल्डर को नहीं बनाया है यहाँ फोल्डर कहने का मतलब है कि मेरी जो फाइल है वो कहां सेव हो रही है एंड इसी पर एक्सप्लोर पर आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ सबसे पहले तो इस फाइल को सेव करूंगी सेव करने के लिए मैं दबाती हूँ कमांड एस या कंट्रोल एस आप क्लिक कर सकते हैं सेव करने के लिए मैं यहाँ पर सेव एज में फाइल का नाम देने वाली हूँ इसको मैं नाम दूंगी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई अब जितनी भी पाइथन की फाइलें हम बनाते हैं उनके लास्ट में हमें तो मैं डॉट जावास तो की फाइल बनानी होती है ही अगर मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन की फाइल बनानी है तो मैं लास्ट में डॉट पीवाई लिखूंगी डॉट पीवा करके आप या तो नया फोल्डर बना सकते हैं नहीं तो किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं इस पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर इसको

तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है फाइल को सेव और ये राइट साइड में आपको ये रन का बटन दिख रहा होगा रन पाइथन फाइल इस पर मैं क्लिक करूंगी जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे एक विंडोस ही अपेयर होने लग गई मेरे पास जिसमें मेरे पास ये लाइन हेलो वर्ल्ड वैसे की वैसी प्रिंट होकर आ गई ये बेसिकली मैंने क्या किया एक पाइथन का कोड लिख दिया है यानी पाइथन के अंदर स्क्रीन के ऊपर कौन सी नीचे वाली है जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है इसके ऊपर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना होता है उसके लिए मैं इस लाइन को लिख सकती हूँ एंड डबल कोड्स के अंदर जो भी चीज मुझे प्रिंट करवानी है उसको मैं लिख सकती हूँ यूजअली जब हम किसी प्रोग्रामिंग नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखना थोड़ा सा कस्टम है आप जावा का प्रोग्राम लिखेंगे सीपीएसएस का लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज का लिखेंगे शुरू हम हेलो वर्ल्ड के साथ करते हैं अब यहां पर जरूरी नहीं कि मैं हेलो वर्ल्ड लिखूं। मैं यहां पर अपना नाम भी लिख सकती हूँ तो मैंने अगर, अगर अपना नाम लिखा एंड दोबारा से अगर मैं अपने कोड को रन करूं तो इस बार मेरा नाम मेरे लिए प्रिंट हो गया अब यहीं पर अगर मैं अपना कॉलेज लिख दूं तो मैंने अपना कॉलेज लिख दिया एंड इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट किया तो मेरे पास अपना फर्स्ट प्रोग्राम तो लिखा उसमें हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब ये जो प्रिंट होता है ये प्रिंट पाइथन के अंदर एक फंक्शन का नाम होता है अभी फंक्शंस क्या होते हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसकी हमें डिटेल में नहीं जाना बेसिकली मुझे ये समझ लेना है कि मैंने कुछ कमांड दे दिया इसको फंक्शंस का पर्पस होता है किसी काम को कंप्लीट कराना तो इस प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना आप प्रिंट लिखकर यहां पर ये पेरेंथेसिस लगा देंगे एंड डबल कोट्स लगा देंगे तो अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा अगर मैं चाहूं तो इस पूरे हेलो वर्ल्ड को काटकर मैं यहां पर अपना कॉलेज लिख सकती हूं तो पूरी स्क्रीन के ऊपर अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ जाएगा एंड इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपना नाम भी लिख सकते हैं तो आपका नाम भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा एंड इसी को हम पाइथन के अंदर आउटपुट कहते हैं आउटपुट यानी जो प्रिंट होकर मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखकर मुझे दिखाई देने लग जाए अब किसी भी कोड के अगर हम फंडामेंटल समझने निकले तो कोई भी कोड क्या करता है मान लेते हैं ये मैंने कोई भी कोड लिखा है यहां पर तो हम हमेशा पाइथन का कोड लिखने वाले हैं तो किसी भी कोड का काम होता है कि वो कुछ इनपुट लेता है और मुझे कुछ आउटपुट रिटर्न करके देता है जैसे अगर इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझू तो हमने गूगल सर्च किया होगा गूगल सर्च में हम क्या करते हैं जो भी मुझे सर्च करना होता है उसको हम टाइप कर देते हैं मान लेते हैं मुझे न्यूज सर्च करनी है तो मैं न्यूज टाइप कर दूंगी अब यहां पर गूगल सर्च के अंदर जो भी चीज मुझे सर्च करनी है वो एक तरीके से गूगल सर्च को मैंने इनपुट दिया है एंड जो रिजल्ट मुझे वो ला देगा वो मेरे लिए आउटपुट होगा तो गूगल सर्च ने गूगल ने अपना कुछ कोड लिखा होगा जिसकी मदद से इनपुट लिया जाता है एंड उसके लिए आउटपुट रिटर्न होता है तो अभी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं मेरे कोड का आउटपुट होता है धीरे-धीरे हम सीखेंगे कि इस पाइथन कोड के अंदर हम और क्या-क्या चेंजेस -क्या -क्या कर सकते हैं और इनपुट किस तरीके से लिया जाता है पाइथन के अंदर अब बात करते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट की पाइथन के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं जैसे इंग्लिश के अंदर मुझे पता होता है कि ए से लेकर जी तक एंड स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक मेरे पास अल्फाबेट होता है हिंदी के अंदर मुझे पता होता है कि अ आई ई इस तरीके से हमारे जो लेटर्स हैं वो जा रहे होते हैं वैसे ही पाइथन का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है मतलब आप इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं है कि आप पंजाबी का कोई लेटर ले आएंगे उसको टाइप करने की कोशिश करेंगे या फिर हम मराठी का कोई लेटर ले आएंगे तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस के लेटर्स नहीं चलते पाइथन का फिक्स्ड कैरेक्टर सेट होता है पाइथन के अंदर इंग्लिश का कैपिटल ए से कैपिटल जी हम यूज कर सकते हैं स्मॉल ए से स्मॉल जी हम यूज कर सकते हैं उसके अलावा लेटर्स में हम जीरो से लेकर

कर लेते हैं कि उसके अंदर आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना होता है मान लेते हैं मुझे पहले तो प्रिंट करवाना है अपना नाम तो मैं लिख दूंगी प्रिंट श्रद्धा इज माय नेम इस तरीके से मैं सेंटेंस भी प्रिंट करवा सकती हूँ नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकती हूँ माय एज इज ट्वेंटी थ्री तो इस तरीके से आप भी अपना नाम प्रिंट करवाइए और नेक्स्ट लाइन के अंदर अपनी एज प्रिंट करवाइए तो इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन तो मेरी स्क्रीन के ऊपर पहले प्रिंट होकर आया श्रद्धा इज माय नेम उसके बाद प्रिंट होकर आया माई एज इज ट्वेंटी थ्री अब ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम सेम लाइन के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं मतलब अगर ये सेम आउटपुट मुझे इसी ऊपर वाली लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है तो इस पार्ट को मैं कर लेती हूँ कॉपी मैं क्या करूंगी फर्स्ट वाली लाइन में यहां पर दे दूंगी कॉमा एंड उसके बाद मैं सेकेंड लाइन को लिखने वाली हूँ तो ये मेरी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी ये मेरी सेकेंड लाइन प्रिंट होगी बट यहां पर एक ट्विस्ट होने वाला है जैसे ये मैं इसको सेव करके रन करूंगी वैसे इस बार क्या हुआ पहले तो ये दोनों चीजें अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रही थी पर इस बार दोनों के दोनों के के सेंटेंसेस सेम लाइन ऊपर प्रिंट हुए तो जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें कॉमा से इस वाले कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल चीजें लिख देते हैं तो वो सारी सेम लाइन पर प्रिंट होती है अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है तो मुझे डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है अब इसके अलावा पाइथन के अंदर हम नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं नंबर्स यानी अगर यहां मैं सिंपली बिना डबल कोट्स लिखे हुए लिखू ट्वेंटी थ्री और इसको मैं कर दूं सेव एंड रन तो उसके इसमें क्या हुआ ट्वेंटी थ्री मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा उसी तरीके से मैं प्रिंट करवा सकती हूं ट्वेंटी फाइव या थर्टी फाइव इसको दोबारा करते हैं सेव एंड रन

ए प्लस बी करती थी वहीं पर दूसरी तरफ अगर मुझे कोई स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर के अंदर अगर एक साइड ए है तो मुझे पता है दूसरी साइड भी मेरे पास ए ही होने वाली है एंड इसका जो एरिया होगा वो होगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए अब हो सकता है ये स्क्वायर किसी भी साइज का हो मतलब ए की वैल्यू पाँच भी हो सकती है तो ए की वैल्यू दस भी हो सकती है ए की वैल्यू पचास भी हो सकती है ए की वैल्यू हंड्रेड भी हो सकती है वैसे ही जैसे जैसे मैथ के सवाल होते थे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ चेंज होती रहती थी उस हिसाब से मेरे पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला था जिसमें मैं वैल्यूज को चेंज कर सकती थी तो मैथ के अंदर ये जो ए है ये जो बी है ये वाला जो ए है इन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं वेरिएबल्स यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वेरिएबल का मतलब ही इंग्लिश के अंदर होता है जो वेर करता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल्स को यूज करते थे वैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दू नेम इज इक्वल टू श्रद्धा तो मैंने क्या किया एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम और उसके अंदर श्रद्धा वाली वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया है तो ये तो मेरे वेरिएबल का नाम है एंड ये उसकी वैल्यू है हम हमेशा लिखते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू माई वैल्यू जैसे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री तो मेरे पास एज हो गई है मेरा वेरिएबल एंड उसकी वैल्यू हो गई है मेरे पास ट्वेंटी थ्री अब हो सकता है एक साल बाद एज बढ़ जाए हो सकता है क्या ऑब्वियसली बढ़ेगी तो कल को अगर एज ट्वेंटी थ्री की जगह ट्वेंटी फोर हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ इसी एज वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ उसके दो साल बाद ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी सिक्स हो गई तो इसी एज वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो जाएंगे और यहाँ पर नई वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी जैसे मैंने प्राइस लिया तो प्राइस के अंदर मैं ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन इस तरीके का प्राइस स्टोर करवा सकता

श्रद्धा तो कोई भी एक रैंडम मेमोरी कंप्यूटर के अंदर सेव हो गई जिसका नाम मैंने दे दिया नेम और इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करवा दी क्या वैल्यू स्टोर करवाई श्रद्धा वैल्यू मैंने

स्टोर हो गई है तो इस तरीके से मेरे वेरिएबल्स यूज होते हैं मेमोरी के अंदर अब कल को हो सकता है कि मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूं मतलब अगर मैंने एज को कर दिया 24 के इक्वल तो क्या होगा एज वेरिएबल तो वही रहेगा बस अंदर जो वैल्यू है वो 23 हटकर अब ये वैल्यू हो जाएगी 24 के इक्वल तो अगली बार जब हम एज की बात कर रहे होंगे तो हम इस नई वैल्यू की बात कर रहे होंगे जो मेरे एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है एक बार हम वेरिएबल्स को कोड में लिखकर देखते हैं कि एक्चुअली कोड में यूज कैसे होते हैं तो मैंने अपनी पाइथन की फाइल बनाई हुई है अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ मैं क्या करने वाली हूं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाली हूं मतलब जैसे ही मैं लिख दू नेम इक्वल टू और फिर मैं लिखने वाली हूँ डबल कोर्ट्स डबल कोर्ट्स के अंदर मैंने लिख दिया अपना नाम नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगी एज इक्वल टू फिर मैंने अपनी एज लिख दी उससे अगली लाइन में मैं लिखने वाली हूँ प्राइस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन तो इस तरीके से ये नेम इज इक्वल टू श्रद्धा करके मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है श्रद्धा एज इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री करके एज मेरा वेरिएबल है प्राइस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन करके प्राइस मेरा एक वेरिएबल है यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा इसके अंदर तो मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है क्या बोला मैंने इसको बोला मैंने एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है स्ट्रिंग होता है कि आप किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को या फिर मिक्स ऑफ वर्ड्स को मल्टीपल वर्ड्स को अगर प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं अब चाहे तो हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं पर यूजअली बाय कन्वेंशन हम डबल कोड्स को यूज कर रहे होंगे तो डबल कोड्स के अंदर हम जो चीजें लिखते हैं वो वैसी की वैसी रहती है तो यहां मैंने श्रद्धा लिख दिया तो श्रद्धा वैसे का वैसा रहेगा अगर मैं सोचू कि नहीं मैं तो श्रद्धा को हटाकर ये डबल कोड्स हटा दू तो वो गलत हो जाएगा ये पाइथन के सिंटैक्स हिसाब से मतलब पाइथन के रूल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा इसीलिए स्ट्रिंग को लिखना है किसी वर्ड सेंटेंस को लिखना है तो डबल कोर्स के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा वैसे ही ट्वेंटी एक नॉर्मल नंबर है इंटीजर नंबर है ट्वेंटी एक फ्लोटिंग वैल्यू है मतलब इसके अंदर डेसिमल आ गया हम यहां पर ट्वेंटी भी कर सकते थे ट्वेंटी भी कर सकते थे ट्वेंटी जीरो जीरो भी कर सकते थे तो इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर लिए अब इन वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करूं? यूजुअली जब हम प्रिंट करते थे तो मैं कहती थी कि हम डबल कोड्स लिख देंगे और नेम लिख देंगे तो एक बार ये जो हमने कोड लिखा है इसको हम रन करते हैं रन करने के बाद क्या हुआ मेरी स्क्रीन के ऊपर नेम प्रिंट हो गया पर मुझे नेम नहीं प्रिंट करवाना मुझे तो श्रद्धा प्रिंट करवाना था जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर था तो अगर हम डबल कोड्स लिखकर कोई भी चीज लिखते हैं ना प्रिंट में तो वो वैसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी यहाँ नेम लिखे यहाँ पर अगर मैं एज लिखकर अगर मैं सेव करवाऊ प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास एज ही प्रिंट हो जाएगा पर मुझे तो एज की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो जब भी मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी होती है मैं इन डबल कोड्स को हटा देती हूँ और अब अगर मैं एज लिखू और इस कोड को रन करूँ

सारे के सारे वेरिएबल्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में प्रिंट करते हैं मतलब मैं प्रिंट करने वाली हूं माय नेम इज यहां पर मैंने लगाया कोलन एंड उसके बाद मैं लिखूंगी कॉमा कॉमा करके मैं श्रद्धा को सेम लाइन पे प्रिंट करवाना चाहती हूं तो मैं लिख दूंगी नेम उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगी माई एज इज कोलन एंड दोबारा से कॉमा करके मैंने यहां प्रिंट करवा दिया एज प्राइस को हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं इसको करते हैं एक बार सेव एंड नाउ रन रन करके आउटपुट में आया माई नेम कॉलन, ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो सेंटेंस है ये तो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया उसके बाद मैंने कॉमा करके नेम लिख दिया तो नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो मेरे पास प्रिंट होकर आ गई उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर माई एज इज तो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया एंड उसके बाद एज जो है वो 23 मेरे पास वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट होकर आ गई तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर अब वेरिएबल्स के बारे में एक और चीज़ मैथ के अंदर अगर मैं लिखती हूँ ए इज इक्वल टू बी तो इसका मतलब होता है ए और बी दोनों बराबर हैं राइट में ट्वेंटी थ्री की वैल्यू जाकर एज के अंदर स्टोर मतलब right मतलब right हो रही है उसी तरीके से अगर मैं यहां इक्वल टू ट्वेंटी राइट साइड की वैल्यू उठकर लेफ्ट साइड की तरफ जाकर स्टोर होती है तो इसको कहते हैं असाइनमेंट रूल ये इक्वल टू का जो साइन होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं या असाइनमेंट कहते हैं असाइन होना यानी वैल्यू जाकर स्टोर हो जाना तो एज इज इक्वल टू लिखने का मतलब होता है है वैल्यू जाकर एज नाम के variable के के वेरिएबल अंदर अंदर स्टोर हो गई अब पाइथन एक तो है कि मैं वेरिएबल लिख दू इज इक्वल टू समथिंग लिख दू उसके अलावा अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूँ एज टू तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकती हूँ मतलब अगर मैंने एज टू इज इक्वल टू एज लिख दिया तो इसका मतलब एज के अंदर जो भी वैल्यू है अब वो जाकर एज टू के अंदर

तो एक बार समझ लेते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स हमारे नेम्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल के भी नेम हो सकते हैं वेरिएबल नेम यानी जो मैंने यहां पर नेम इज इक्वल टू श्रद्धा लिखा इसके अंदर ये जो नेम है ये मेरे वेरिएबल का नाम है और ये उस वेरिएबल की वैल्यू है यहां पर जो मैंने एज इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री लिखा उसमें एज मेरे वेरिएबल का नाम है और ट्वेंटी थ्री उसकी वैल्यू है तो ऐसे जितने भी हम वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसमें अपर केस लोअर केस लेटर्स भी आ सकते हैं डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है यानी वेरिएबल के नाम के अंदर मैं ए से लेकर स्मॉल जी तक कोई भी लेटर यूज कर सकती हूँ कैपिटल ए से कैपिटल जी तक भी कोई भी लेटर यूज कर सकती हूँ जीरो से नाइन तक कोई भी डिजिट यूज कर सकती हूँ एंड उसके साथ साथ अंडरस्कोर यूज कर सकती हूँ पर वेरिएबल के नाम में मैं परसेंटेज एट द रेट इस तरीके के सिम्बल्स को यूज नहीं कर सकती दूसरा रूल कहता है जैसे इसके एग्जाम्पल है कि मैंने अपने वेरिएबल को माई वेरिएबल नाम दे दिया ये वेरिएबल अंडर स्कोर वन दे दिया वेरिएबल फॉर प्रिंट ये सारे के सारे वैलिड नाम है इसके अलावा जो आइडेंटिफायर होता है आइडेंटिफायर मेरे वेरिएबल का नाम भी हो सकता है आगे जाके हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मेरे फंक्शन के नाम भी हो सकते हैं एंड और भी जगह जहां भी मुझे नाम लिखने होते हैं चीज़ों के जैसे वेरिएबल के नाम हो गए वहां पर इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं दूसरा है कि आइडेंटिफायर जो भी होता है यानी वेरिएबल का नाम वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता मतलब आप इस तरीके से वन वेरिएबल लिखें या वेरिएबल वन लिखें ये तो वैलिड है बट ये वाली चीज वैलिड नहीं है क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में डिजिट आ गया डिजिट बाद में आ सकता है पर स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आ सकता तो जैसे वेरिएबल वन वैलिड है और वन वेरिएबल इज नॉट वैलिड इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स हो गए जैसे हैश हो गया एट द रेट हो गया परसेंटेज हो गया डॉलर का साइन हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया इस तरीके के सिंबल्स हम आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते एंड आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ यानी मैं चाहूं तो अपने वेरिएबल का नाम बड़ा सा भी रख सकती हूँ मैं अपनी वेरिएबल का नाम दिस इज़ माई पाइथन वेरिएबल इतना बड़ा नाम भी मेरे पाइथन वेरिएबल का होगा इसमें कोई एरर नहीं आएगा पाइथन के अंदर लेकिन क्योंकि हम अच्छे प्रोग्रामर्स हैं और जब भी हम कोड लिखते हैं सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमने सही कोड लिखा जो चल जाए ये भी जरूरी है कि हमारा कोड दिखने में कितना सुंदर है मतलब कितना प्रेजेंटेबल है और कितना आसानी से दूसरे लोग उसको पढ़कर चीजें समझ सकते हैं इसीलिए एक अच्छे प्रोग्रामर की एक अच्छे कोडर की पहचान ही होती है कि उनके वेरिएबल्स के नाम सिंपल शॉर्ट एंड मीनिंगफुल होते हैं यानी एक तो सिंपल हो ये जो नाम है ये ना सिंपल है ना शॉर्ट है मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम भी हमें नहीं रख देना कि पता नहीं जैसे मैं एक्स वाई बी डी ई अब ये एक वैलिड वेरिएबल नाम है बट ये बिल्कुल भी सिंपल नाम नहीं है सिंपल नाम क्या होगा जैसे मैं किसी वेरिएबल को एज नाम दे दू किसी वेरिएबल को नेम नाम दे दू किसी वेरिएबल को काउंट नाम दे दू किसी वेरिएबल को सम नाम दे दू ये सारे के सारे सिंपल हैं ये सारे के सारे शॉर्ट भी हैं लंबे नाम जबरदस्ती हमें नहीं देने होते एंड मीनिंगफुल हैं अब इस नेम वेरिएबल को ही पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसके अंदर नेम स्टोर्ड है एज को पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है इसके अंदर एज स्टोर्ड है सम को पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है इसके अंदर सम स्टोर्ड है काउंट को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसके अंदर काउंट स्टोर्ड है तो इसीलिए जितने भी हमारे आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के नाम होते हैं उनको हमें मीनिंगफुल रखना होता है शॉर्ट रखना होता है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड रखना होता है अब इसके अलावा एक और स्पेशल चीज होती है वेरिएबल्स के बारे में जैसे यहां पर हमने कोड के अंदर काफी सारे वेरिएबल्स यूज किए यहां मैंने नेम यूज किया एज यूज किया यूज़ किया। अब मैं एक चीज आपको प्रिंट करके दिखाने वाली हूँ मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाली हूँ टाइप मैं लिखूंगी टाइप और उसके अंदर लिख दूंगी नेम नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ टाइप उसके अंदर लिख दूंगी मैं एज उसकी अगली लाइन पे मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ टाइप एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगी प्राइस अब मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था मैं उसका टाइप प्रिंट करवा रही हूं एज का टाइप प्रिंट करवा रही हूँ प्राइस का टाइप प्रिंट करवा रही हूँ आप सोच रहे होंगे दीदी वेरिएबल्स के अंदर टाइप का क्या मतलब है तो एक बार ये प्रिंट होगा तो भी समझ में आएगा यहां पर मेरे पास प्रिंट हुआ है फर्स्ट लाइन में टाइप ऑफ नेम टाइप ऑफ नेम क्या कह रहा है क्लास एस टी आर फिर प्रिंट कर रहा है टाइप ऑफ एज टाइप ऑफ एज में कह रहा है क्लास आईएनटी फिर प्रिंट कर रहा है टाइप ऑफ प्राइस टाइप ऑफ प्राइस में प्रिंट होकर आया क्लास एफएलओटी इसको हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं एसटीआरिंग स्ट्रिंग की तरह पढ़ते हैं वैसे एसटीआर ही होता है इसको हम इंट की तरह पढ़ते हैं इसको हम फ्लोट की तरह पढ़ते हैं इथन क्या करता है पाइथन जैसे ही आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिख दी पाइथन टाइप फाइंड आउट कर लेता है जैसे इस नाम के अंदर एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग क्या हो सकता है स्ट्रिंग वर्ड भी हो सकता है स्ट्रिंग सेंटेंस भी हो सकता है स्ट्रिंग पैराग्राफ भी भी हो सकता है बेसिकली जो चीजें हम इंग्लिश के अंदर लिख रहे होते हैं वो सारी की सारी हमारी स्ट्रिंग का पार्ट बन जाती है तो नेम जो है उसका टाइप इसने प्रिंट करवा दिया कि स्ट्रिंग है पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया आपको बताना नहीं पड़ा अलग से एज जो है उसमें आपने ट्वेंटी स्टोर करा दिया तो पाइथन ने डिटेक्ट कर लिया कि उसके अंदर जो वैल्यू है उसका टाइप है इंट

और ये जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं डेटा टाइप यानी डेटा का टाइप जो भी तरीके का हमने वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाया है उसके अलग अलग टाइप होंगे एंड उस हिसाब से पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर प्राइमरी लीजन डेटा टाइप्स को हम पढ़ते हैं वो पांच टाइप के होते हैं एक होता है हमारे पास इंटीजर्स एक होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग एक होते हैं हमारे पास फ्लोट एक होते हैं हमारे पास बुलियन एक होता है हमारे पास नन तो हम इन प्राइमरी डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो पाइथन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप होता है जिसमें हमारी सारी सारी मतलब पॉजिटिव वैल्यूज तो आ, आ, आ जाएगा ये सारे के सारे हमारे वैलिड इंटीजर्स हैं एंड इस टाइप के लिए हमारे पास प्रिंट होकर आता है इंट तो हम इसको इंट टाइप कहते हैं दूसरा टाइप होता है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग टाइप के अंदर हम कोई सेंटेंस या वर्ड भी लिख सकते हैं जैसे

इज इक्वल टू एसके तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं मैं चाहूँ तो नेम टू इज इक्वल टू यहां पर सिंगल कोट्स के साथ मैं sk लिखवा सकती हूं और मैं चाहूं तो ट्रिपल कोट्स के साथ इस तरीके से एस के भी लिख सकती हूं अब इन तीनों को हम प्रिंट करवा सकते हैं मैं प्रिंट करवा दूंगी नेम वन नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा दूंगी नेम टू एंड इससे नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा दूंगी नेम थ्री को इसको कर लेते हैं सेव एंड रन रन करके तीनों स्ट्रिंग की जो सेम वैल्यूज थी वो मेरे पास प्रिंट होकर आ गई मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है उसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सिंगल कोड से भी कर सकती हूँ ट्रिपल कोड से भी कर सकती हूँ बट यूजअली हम प्रेफर करेंगे कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स को हम डबल कोर्ट से प्रिंट करवा रहे हो तो इस तरीके से सेकेंड डेटा टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप इसके अलावा हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप भी होता है फ्लोट डेटा टाइप के अंदर डेसिमल वैल्यूज आ जाती है जैसे मैं लिखना चाहूँ थ्री या टू या फिर 9.0 तो ये सारी की सारी मेरी फ्लोटिंग वैल्यूज हो जाएंगी एंड चौथा डेटा टाइप होता है मेरे पास बुलियन टाइप बुलियन के अंदर दो ही वैल्यूज हो सकती हैं एक वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू एक वैल्यू होती है हमारे पास फॉल्स जैसे मैथ के अंदर ट्रू एंड फॉल्स होते हैं वही सेम मतलब पाइथन के अंदर बुलियन वैल्यूज का होता है यानी ट्रू एंड फॉल्स जैसे अगर मैंने लिखा है एज इज इक्वल टू ट्वेंटी और फिर मैं लिख रही हूं ओल्ड इज इक्वल टू फॉल्स तो इसका मतलब है कि मेरा एज जो वेरिएबल है वो तो इंटीजर टाइप का इंट टाइप का और मेरा ओल्ड वेरिएबल बुलियन टाइप का है क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉल्स वैल्यू स्टोर कराई है ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम ट्रू या फॉल्स लिख रहे हो उसके अंदर टी कैपिटल टी होता है एंड एफ कैपिटल एफ होता है अगर हम इसको स्मॉल लिख देंगे तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी तो कैपिटल एफ एंड कैपिटल टी के साथ हम बुलियन वैल्यूज को लिख रहे होते हैं एंड फिफ्थ जो डेटा टाइप होता है हमारे पास होता है हमारा नन डेटा टाइप नन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराना चाहते तो अगर मैंने किसी भी रैंडम वेरिएबल ए के अंदर लिख दिया नन तो इसका मतलब है कि ए को अभी कोई वैल्यू नहीं दी गई इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर्ड नहीं है एक बार क्या करेंगे बुलियन वेरिएबल एंड एक नन वेरिएबल को भी बनाकर देख लेते हैं कोड के अंदर मैं क्या करूंगी एक सिंपल सा वेरिएबल लेने वाली हूं एज इज इक्वल टू 23 लिखूंगी एंड नेक्स्ट लाइन में लिखने वाली हूं ओल्ड इज इक्वल टू फॉल्स एंड उसकी अगली लाइन में ए इज इक्वल टू नन अब मैं प्रिंट करवाने वाली हूं टाइप ऑफ ओल्ड एंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दूंगी टाइप ऑफ ए इसको कर लेते हैं सेव अब ये जो टाइप है ये भी एक फंक्शन है बट फंक्शंस के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे इसीलिए मैं इस टाइप को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कैसे टाइप और ये ओल्ड लिखने से इसका टाइप प्रिंट हो रहा है जब हम फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे ही मैंने टाइप ऑफ ओल्ड प्रिंट किया ओल्ड के अंदर क्या है बुलियन वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू तो यहाँ प्रिंट हो गया बुल एंड ए के अंदर नन है तो इसके लिए नन टाइप प्रिंट हो गया कि कोई इसके अंदर वैलिड वैल्यू नहीं है अब इसके अलावा यहीं पर फॉल्स की जगह अगर मैं स्मॉल एफ कर देती तो उस केस में मेरे पास एरर आ जाता स्मॉल टी करके अगर मैं ट्रू लिख दूं तो भी उस केस में एरर आएगा बट अगर कैपिटल टी के साथ ट्रू लिख दूं तो एरर नहीं आएगा बिल्कुल सही मेरा कोड रन कर जाएगा तो इसको मैं दोबारा रन कर सकती हूं एंड इस बार सेम वैल्यूज मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स काम करते हैं हमारी पाइथन लैंग्वेज के अंदर अब बात करते हैं पाइथन के अंदर कीवर्ड्स की कीवर्ड्स की। की की क्या होते हैं पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास डिक्शनरी होती है डिक्शनरी के अंदर कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिनका फिक्स मतलब होता है अब मुझे पता है डिक्शनरी के अंदर अगर एप्पल लिखा हुआ है तो उसका एक फिक्सड मीनिंग होगा वैसे ही पाइथन की एक छोटी सी डिक्शनरी है जिसमें कुछ रिजर्व वर्ड है जिनको स्टोर कर लिया गया है रिजर्व वर्ड्स के अंदर पाइथन में हमारे पास ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं यानी एंड हमारा एक रिजर्व वर्ड है एज असर्ट ब्रेक यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि ट्रू हमारे लिए एक रिजर्व

सारे की के नाम याद हो जाएंगे इसलिए अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है टाइम के साथ ये हमें अपने आप याद होने वाले हैं अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती कुछ लैंग्वेजेस होती है, जो होती है।, कहने का क्या मतलब है? कि पाइथन के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग हैं जैसे एसक्यूएल होती है स्कूल के, के अंदर कहीं भी तो वहां पर आपको पता चलेगा कि डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती मतलब उसके अंदर आप कैपिटल ए लिखो या स्मॉल ए लिखो सब बराबर है बट पाइथन वैसी लैंग्वेज नहीं है पाइथन के अंदर अगर आपने लिखा कैपिटल एप एप्पल एंड लिखा स्मॉल एप्पल तो ये अलग वेरिएबल है एंड ये अलग वेरिएबल है दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो यहां पर कैपिटल क्या है मतलब अपर केस क्या है और स्मॉल क्या है लोअर केस क्या है वो दोनों चीजें अलग अलग होती है तो इसीलिए जब भी हम की को लिखते हैं पाइथन के अंदर तो हमें ये याद रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है इसीलिए मैंने बताया था कि जब भी हम ट्रू लिख रहे हैं तो उसमें शुरुआत वाला लेटर कैपिटल ही रहेगा जब हम फॉल्स लिख रहे हैं तो शुरुआत वाला एफ कैपिटल होगा जब हम नन लिख रहे हैं तो उसके अंदर शुरुआत वाला एन कैपिटल होगा नहीं तो पाइथन हमें

b के इक्वल तो डायरेक्टली क्या करेगा पाइथन पहले तो a की वैल्यू ले लेगा ले टू एंड फिर b की वैल्यू ले लेगा ले फाइव दोनों को ऐड करेगा सेवन एंड सम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा सेवन के इक्वल एंड उसके बाद अगर मुझे सम को प्रिंट करवाना है तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट सम को तो ये चार लाइनों का मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा जिस प्रोग्राम में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी एंड इन दोनों का मैं सम कैलकुलेट कर रही हूँ एंड उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो इसको एक बार पाइथन के कोड के अंदर लिखते हैं ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए इज इक्वल टू टू दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया है बी इज इक्वल टू फाइव तीसरा वेरिएबल मैं बना रही हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपने सम को इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन

कॉमेंट्स हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कोड के अंदर कुछ इंग्लिश लिखनी है या कुछ और लिखना है तो उसे हम कॉमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे होंगे कॉमेंट्स को जनरली हम अपने हैश के साथ स्टार्ट करते हैं हैश को लिखकर हम अपने सिंगल कॉमेंट्स को लिख सकते हैं और ट्रिपल कोड्स को यूज करके हम उसके अंदर अपने मल्टी लाइन कॉमेंट्स को लिख सकते हैं एक बार देखते हैं कि कॉमेंट्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्क्रीन पर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब ये जो लाइन है मुझे पता है कि ये मेरे कोड का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा अब इसी लाइन को अगर कॉपी करके मैंने दो बार लिखा बस सेकंड लाइन के आगे अगर मैं हैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा ये कमेंट बन जाएगा कमेंट्स को विजुअल स्टूडियो कोड ग्रीन कलर से जनरली हाईलाइट करता है और अब मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसा हिस्सा है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसे अगर सेव करके हम अपने कोड को रन करें तो आउटपुट में हमारे पास हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक बार प्रिंट होकर आएगा हम चाहते तो कॉमेंट्स के अंदर कुछ भी नॉर्मल इंग्लिश भी लिख सकते हैं जैसे हाई आई एम अ comment. अब हम चाहते तो अपने प्रोग्राम के अंदर एक मल्टी लाइन कॉमेंट भी लिख सकते थे जैसे हम लिख सकते हैं मल्टी लाइन कॉमेंट इस तरीके से तीन लाइन्स के अंदर या दो लाइन्स के अंदर एंड इसे अगर हम कॉमेंट आउट करेंगे तो एक तो तरीका है कि हम दो हैश को यूज़ करें एंड दूसरा तरीका है कि हम ट्रिपल कोड्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं सो दिस बिकम्स अ मल्टी लाइन कॉमेंट जो हमारे कोड के एग्जीक्यूशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा और दोबारा से हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होकर आएगा अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लाइन्स को कॉमेंट करने का एक शॉर्टकट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काफी सारे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है एंड अगर इनमें से इन तीन लाइन्स को मुझे कॉमेंट आउट करना है तो आई कैन जस्ट प्रेस कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश या विंडोज के अंदर कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश को जैसे हम प्रेस करते हैं हम मल्टीपल चीजों को एक साथ कॉमेंट आउट कर सकते हैं और इसी तरीके से मल्टीपल चीजों को एक साथ अनकॉमेंट भी कर सकते हैं सो दिस इज आवर कॉमेंट्स वर्क इन आर कोड अब नेक्स्ट पाइथन के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा सिंबल होता है जिसका काम होता है टू परफॉर्म सम ऑपरेशन यानी मैथ के अंदर हमने ये चीज बहुत बार देखी होगी ए प्लस बी ए प्लस बी के अंदर जो हमारे ए एंड बी होते हैं इन्हें हम जनरली ऑपरेंट्स कहते हैं और हमारे पास ये जो प्लस है इसे हम अपना प्लस ऑपरेटर कहते हैं ऑपरेटर का काम होता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना यानी किसी भी काम को परफॉर्म करना जैसे यहाँ पर प्लस क्या करता है प्लस का काम परफॉर्म करता है वहीं पर हमारे पास माइनस भी होता है माइनस एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम परफॉर्म करता है मल्टीप्लाई क्या करता है मल्टीप्लाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का काम परफॉर्म करता है तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हमने मैथ में भी कई बार देखा है और जिन वैल्यूज के ऊपर काम परफॉर्म होता है ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें हम ऑपरेंट्स कहते हैं तो एक ऑपरेटर ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेट्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है अब हमारे पास ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इनमें से कुछ ऑपरेटर्स हमने मैथ के अंदर ऑलरेडी बचपन में पढ़े होंगे और कुछ ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर नए होते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग करते टाइम पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपने एरेडमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एरेथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एरेडमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में उसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं एरेथमेटिक ऑपरेटर्स एक नंबर हम क्रिएट कर लेते हैं ए जिसे हम वैल्यू असाइन कर देंगे एंड एंड दूसरा नंबर ले, ले लेते हैं हैं बी बी इज इक्वल टू अब ए के ऊपर हम अपने जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस होते यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड उन्हें परफॉर्म करेंगे अब पाइथन के अंदर दो नंबर्स को प्लस करने के लिए हम लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी इसका मतलब है ए प्लस बी को कैलकुलेट करके हम अपने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं यानी हम अपने सम को प्रिंट करवा सकते हैं लेट्स सेव इट उूट तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी आएगीवल टू से हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं यानी डायरेक्टली हम ए प्लस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद इन आर प्रिंट फंक्शन जैसे हमारे पास प्लस होता है वैसे ही हमारे पास माइनस होता है वैसे ही हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस करने के लिए हम लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख सकते हैं ए एस्टरिस्क भी स्टार वाला सिंबल होता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं पाइथन के अंदर तो आंसर हमेशा एक फ्लोटिंग वैल्यू आता है भले ही हमारा आंसर इंटीजर वैल्यू हो सकता था बट वो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू की फॉर्म में आएगा यानी अगर यहाँ पर ए की वैल्यू फाइव की जगह तो तो के इक्वल अब ये तो हो गए नॉर्मल वो एरेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने ऑलरेडी अपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है इनके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं अपना मॉड्यूलो ऑपरेटर जो हम जनरली मैथ के अंदर नहीं पढ़ते ये हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है यानी अगर हमने लिख दिया ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो को हम परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं ए मॉड्यूलो बी का मतलब होता है कि अगर हम ए और बी को डिवाइड करें तो हम उन दोनों के बीच का रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर है फाइव एंड टू फाइव को जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आएगी वैल्यू इक्वल टू वन तो यही वन हमें हमारा मॉड्यूलो रिटर्न करके देता है सेव करके अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास आंसर में आएगी वैल्यू जैसे हमारे पास मॉड्यूल होता है ऐसे एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं अपना पावर ऑपरेटर यानी अगर हम ए डबल स्टार बी को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ए टू पावर बी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ए टू पावर बी यहां पर होगा फाइव टू दी पावर टू विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हमारे आंसर में भी हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आएगी ट्वेंटी फाइव के इक्वल तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं इन्हें हम अपने कंपैरिजन या फिर इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का, का काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने का इन्हें जनरली हमने मैथ के अंदर भी देखा होगा अब मैथ के अंदर अगर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है जैसे अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या ए बी के इक्वल है तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं पर पाइथन के अंदर इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू लिखते हैं मैथ के अंदर ए नॉट इक्वल टू बी हम इस तरीके से लिखते हैं पर पाइथन के अंदर हम एक्सक्लेमेशन इक्वल इक्वल टू टू को नॉट की तरह लिखते हैं इनफैक्ट जब भी जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एक्सक्लेमेशन दिखे तो वो जनरली होता है कि हम नॉट कहने की कोशिश कर रहे हैं यानी किसी भी चीज को नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है फॉर एग्जाम्पल अपनी कुछ नई वैल्यूज हम ले लेते हैं एंड अब बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले हम अपनी एक वैल्यू ले सकते हैं ए इज इक्वल टू फिफ्टी एंड बी इज इक्वल टू ट्वेंटी अगर हमें चेक करना है क्या ए बी के इक्वल है तो उसके लिए हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं इज ए इक्वल टू इक्वल टू बी अच्छा जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन कहने की कोशिश कर रहा है क्या वो वैल्यू ट्रू है या फिर वो वैल्यू फॉल्स है यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आउटपुट में हमें या तो ट्रू रिटर्न करके देंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करके देंगे विच इज अ बुलियन वैल्यू ये एक्सप्रेशन कह रहा है ए बी के इक्वल है यानी फिफ्टी ट्वेंटी के इक्वल है तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी फॉल्स इसे सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर में आएगा फॉल्स उसी तरीके से अगर हम यहां पर लिख दें ए नॉट इक्वल टू बी तो उसका आंसर हमारे पास आएगा इक्वल टू ट्रू यानी फिफ्टी नॉट इक्वल टू ट्वेंटी ट्रू है या फॉल्स है उसका आंसर हमारे पास हमेशा ट्रू आएगा सेव कर लेते हैं एंड हमारे पास आंसर में आएगा वैल्यू इक्वल टू ट्रू इनफैक्ट ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे एक बार हम कर देते हैं कॉमेंट आउट जैसे हमारे पास इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू होते हैं वैसे ही हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू होते हैं जैसे यहां पर अगर हम लिखना चाहें क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो उस केस में हमें पता है 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो है ही तो इस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आएगा ट्रू या इनफैक्ट अगर हम प्रिंट करना चाहें क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है इस केस में भी हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी ट्रू एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आई है ट्रू एंड ट्रू जैसे हमने ग्रेटर देन किया है वैसे ही हम लेस देन भी कर सकते हैं तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी इस केस में हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स एंड इस केस में भी हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स इसे सेव कर लेते हैं एग्जीक्यूट करते हैं लास्ट में हमारे पास प्रिंट होंगे दो फॉल्स अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इन्हें हमें आज सच याद करने की जरूरत नहीं है हम बस एक नज़र इस पर डाल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारा एक टॉपिक होगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जब हम पढ़ेंगे तो हम इन्हें अपने आप बहुत बार यूज कर लेंगे और ये हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये होते हैं हमारे असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड एक ऑपरेटर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब भी हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू समी अगर तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं दिस इज आर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है किसी वैल्यू को असाइन करना तो जब हम ए इक्वल टू फिफ्टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी ये जो फिफ्टी वैल्यू है इसे हम इस वेरिएबल ए के अंदर असाइन कर रहे हैं तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है पर इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है नम नम को हम initialize कर रहे हैं टेन के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है उसी के अंदर हम टेन को ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी नंबर प्लस टेन नंबर प्लस टेन क्या होगा टेन प्लस टेन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वेंटी तो हमारा ये जो नम वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू के अंदर हमारे पास ट्वेंटी आ जाएगा एंड इस ट्वेंटी को हम चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं यानी इसे सेव कर लेते हैं एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्वेंटी के इक्वल यहाँ पर हम इन लिख सकते हैं नम की वैल्यू को सेव एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वेंटी ये ऊपर वाली वैल्यूज को कर देते हैं कॉमेंट आउट तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है नम इज इक्वल टू नम प्लस टेन इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है नम प्लस इक्वल टू टेन यानी हमारे पास पाइथन के अंदर एक स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर है जो उसी नंबर के अंदर किसी भी नई वैल्यू को ऐड करने का काम करता है इस स्टेटमेंट एंड इस स्टेटमेंट दोनों का ही सेम मतलब है तो अगर हम इस स्टेटमेंट को यहां से हटा दें तो भी हमारे पास आउटपुट में ट्वेंटी ही रिटर्न होके आएगा इस तरीके से तो हमारे पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है जो उसी नंबर में किसी नई वैल्यू को ऐड करने का काम करता है जैसे हमारे पास प्लस इक्वल टू होता है वैसे ही हमारे पास माइनस इक्वल टू भी होता है तो इसका मतलब हो जाएगा नम की वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आएगी जीरो के इक्वल यानी टेन माइनस टेन एग्जीक्यूट करेंगे आंसर में आएगा जीरो ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा टेन को टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा या अगर हम यहाँ पर फाइव लिख दें, तो टेन को वो फाइव से मल्टीप्लाई कर देगा answer में हमारे पास 50 आएगा। सेव कर लेते हैं execute किया, answer में आ गया 50। इसी तरीके से से हमारे पास divide equal to होता है। 10 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे आंसर में आएगा टू तो गोइंग टू बी टू इसी तरीके से हम मोड्यूलो भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी हमारा रिमाइंडर टेन को जब फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास आएगी जीरो वैल्यू तो आंसर में नम विल बी इक्वल टू जीरो एंड ऐसे ही हमारे पास पावर ऑपरेटर होता है पावर क्या करेगा टेन टू दी पावर फाइव टेन टू दी पावर फाइव हमारे पास हो जाएगा वन लाख ,00 के इक्वल तो आंसर में वही वैल्यू हमारे पास आने वाली है सेफ रिफ्रेश तो ये हो गया हमारे पास वन लाख ,00 तो इस तरीके से हम अपने assignment operators को different, different assignment operators को use करते हैं। हैं, अब जैसे हमारे हमारे पास assignment operators होते हैं, next type of operator जिसे हम करेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर नॉट एंड एंड और तीनों ही बहुत सिंपल होते हैं एंड इनफैक्ट इनके मतलब भी काफी सिंपल है जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉट ऑपरेटर के साथ अगर हम किसी भी बुलियन वैल्यू को लें तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है नॉट ऑपरेटर हमें उसका ऑपोजिट रिटर्न करता है अगर हमने कहीं भी पाइथन के अंदर लिख दिया ट्रू तो उसके आगे अगर हम नॉट ऑपरेटर को लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आएगी फॉल्स के इक्वल एंड वाइस वाइसवर्स जैसे इस पार्ट को हम कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें नॉट ऑफ फॉल्स तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा और हम प्रिंट करवाना चाहें नॉट ऑफ ट्रू तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आएगा इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो नॉट 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 ऑफ 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 फॉल्स 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 क्या क्या है है true, क्या है है ट्रू 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 एंड यानी जो भी हमने बुलियन वैल्यू लिखी थी उसका ऑपोजिट इनफैक्ट हम यहाँ कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है फिफ्टी के इक्वल एंड बी की वैल्यू हो गई है थर्टी के इक्वल तो अगर मैं लिखना चाहूं ए ग्रेटर देन बी तो वो वैल्यू क्या होगी फिफ्टी ग्रेटर तो अगर हम लिखें ए ग्रेटर लेते हैं फॉल्स तो के इक्वल इसे री एग्जीक्यूट कर लेते हैं हमारे पास ट्रू वैल्यू थी नेक्स्ट में हमारे पास फॉल्स वैल्यू आई यानी ये जो एक्सप्रेशन है सिंगल एक्सप्रेशन हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसी का ऑपोजिट आंसर हमें नॉट रिटर्न करके देता है जैसे हमारे पास नॉट होता है वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर होता है जिसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं एंड ऑपरेटर दो वैल्यूज के ऊपर काम करता है यानी लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं। वैल्यू वन इज इक्वल टू ट्रू एंड वैल्यू टू इज इक्वल टू ट्रू तो हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना एंड ऑपरेटर का आंसर जिसमें हम लिखेंगे वैल्यू वन एंड वैल्यू तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेट के ऊपर काम करता है जबकि एंड एंड और ऑपरेटर हमारे दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं वैल्यू वन एंड वैल्यू टू कहने का मतलब है बेसिकली कि हम वैल्यू वैल्यू और और हिंदी वाला और value two को evaluate करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑपरेटर ट्रू आंसर सिर्फ तभी देता है जब दोनों वैल्यू सच होती हैं एंड ऑपरेटर कहते हैं कि मैं सच तभी बोलूंगा जब वैल्यू वन और वैल्यू टू दोनों सच होंगी तो उसको सेव कर लेते हैं एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास से आंसर ऑपरेटर की जगह एंड ऑपरेटर का आंसर हमारे पास क्या आया ट्रू के इक्वल आया यानी अभी वैल्यू वन एंड वैल्यू टू दोनों ट्रू हैं बट यहीं पर अगर हमारे पास फॉल्स होता तो उस केस में आंसर रिटर्न होकर आता फॉल्स के इक्वल तो जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं इसका आंसर ट्रू तभी आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू कहती हैं जैसे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है वैसे ही हमारे पास और ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर का हिंदी में मतलब होता है या यानी एक वैल्यू या फिर दूसरी वैल्यू दोनों में से कोई भी अगर सच हो जाए तो मैं सच बोल दूंगा तो यहां पर और ऑपरेटर लिख देते हैं दिस इज आर और ऑपरेटर एंड दिस इज आर एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर दे रहा है हमें फॉल्स एंड और ऑपरेटर दे रहा है हमें ट्रू और ऑपरेटर अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न करता है पर दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा यानी यहां पर भी अगर हमने लिख दिया फॉल्स तो फिर हमारे पास रिटर्न होकर आएगी वैल्यू

तो ए ग्रेटर देन बी सच दे देगा तो इस केस में हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रू आई होप हम यहां समझ पा रहे हैं कि इक्वल टू इक्वल टू बी हमें फॉल्स दे देगा क्योंकि थर्टी के इक्वल नहीं होता पर फिफ्टी थर्टी से बड़ा होता है तो यह वाला एक्सप्रेशन हमें ट्रू दे देगा तो फॉल्स और ट्रू दोनों का आंसर फाइनली ट्रू आता है क्योंकि दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो और हमें ट्रू रिटर्न कर देता है एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर में हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू के इक्वल तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं यानी यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर को तो कंबाइन किया ही पर उसके साथ में हमने इक्वल टू विच इज आर कम्पेरिजन ऑपरेटर उसे भी यूज किया है तो ये हमारे मेजोरिटी चार ऑपरेटर्स होते हैं इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाइथन के अंदर यही चार ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम यूज कर रहे होते हैं अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में टाइप कन्वर्जन होता है जब हम एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं यानी अगर अभी मेरे वेरिएबल का टाइप हो सकता है इंटीजर हो पर अगर मुझे इस इंटीजर को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन को यूज करते हैं हमारे पास दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं पाइथन के अंदर एक कन्वर्जन को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन एंड एक कन्वर्जन को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग दोनों में थोड़े थोड़े होते हैं। टाइप कन्वर्जन पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है यानी हमें उसे अलग से बोलना नहीं पड़ता कि इस टाइप को इस टाइप में कन्वर्ट कर दो पाइथन क्या करेगी ऑटोमेटिकली हमारे लिए टाइप कन्वर्जन कर देगी और कास्टिंग क्या होती है कास्टिंग होती है जबरदस्ती यानी मैन्युअली जिस टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं तो कास्टिंग जब भी हो रही होती है तो उसमें हमें मैन्युअली एज अ प्रोग्रामर बताना पड़ता है पाइथन को कि हम इस टाइप वन के वेरिएबल को टाइप टू के वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम दोनों को ही अभी पढ़ने वाले हैं तो अभी इस नाम से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन को विच इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है टू एंड एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास फोर पॉइंट फाइव अब अगर मुझे दोनों का सम प्रिंट करना है तो यहां एक वेरिएबल बना सकते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी अब मुझे पता है इनमें से एक जो वेरिएबल है ए इसका टाइप है इंटीजर इंट एंड बी का टाइप है फ्लोट।

एक तो हमारे पास है टू एक है हमारे पास टू पॉइंट थ्री तो ये क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो दिस इज अ मोर सुपीरियर वैल्यू तो फ्लोट को हम जनरली कहते हैं फ्लोट इज सुपीरियर एज कंपेयर टू इंट तो यहां पर पाइथन क्या करेगा इंट को सुपीरियर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो उसका मतलब होगा कि यहाँ कैलकुलेट हो रहा है टू तो पॉइंट जीरो प्लस फोर पॉइंट टू फाइव यानी इसका आंसर होने वाला है सिक्स पॉइंट टू फाइव के इक्वल तो जब हम इस सम को प्रिंट करेंगे पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे लिए टाइप कन्वर्जन को कर चुका होगा विच इज स्ट्रिंग को स्टोर करा लेते अब हमें पता है टू वैसे तो इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ही है टू बट ये क्या है इसे पाइथन किसकी तरह इंटरप्रेट करेगा ये जो टाइप है दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग यानी यहां पर इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल ए दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर एड करना अलाउड नहीं होता तो जब हम ए प्लस बी ये चीज लिख रहे होंगे तो इसके अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा एरर क्या आएगा पाइथन हमें एरर दे देगा यानी इस चीज में एरर दे के कहने की कोशिश कर रहा है कैन ओनली कॉन स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग यानी कह रहे हैं स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो फ्लोट में हम स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाइथन कह रहे हैं बिल्कुल गलत है ये चीज पॉसिबल ही नहीं है पायथन ने इस केस में हमारे लिए टाइप कन्वर्जन को नहीं किया बट हम चाहते तो इस स्ट्रिंग को जबरदस्ती एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे एंड उसी मैनुअल कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग कह देते हैं अब टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं टाइप कास्टिंग करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं पाइथन के अंदर जैसे अगर हमें किसी भी वैल्यू को इंट के अंदर टाइप कास्ट करना है तो हम लिखेंगे इंट पेरेंथेसिस एंड फिर अपनी वैल्यू को उसके अंदर पास कर देंगे यानी उसके अंदर लिख देंगे तो ये जो भी वैल्यू है ये इंटीचर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरीके से किसी भी वैल्यू को अगर हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी वैल्यू को फ्लोट लिखकर हम उसके अंदर पास कर देंगे तो आउटपुट आंसर जो भी आएगा वो हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी तो यहां पर स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंट एंड ये जो टू होगा ये फिर इंटीजर वैल्यू के अंदर टाइपकास्ट हो जाएगा इसे सेव कर लेते हैं एंड अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा यानी अब अगर हम सबसे पहले तो एक चीज प्रिंट करवाते हैं विल बी टाइप ऑफ ए को प्रिंट करवाएंगे तो इस बार हमारे पास इंट प्रिंट होकर आएगा सेव कर लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी इंट एंड सिक्स पॉइंट टू फाइव यहीं पर हम चाहते तो हम फ्लोट भी कर सकते थे तो ये क्या हो जाता फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता

टाइप कास्टिंग तभी वर्क करती है जब दूसरे टाइप के अंदर ऐसा डेटा हो जो हमारे नए टाइप के अंदर फिट इन हो पाए जब यहां पर कोई वैलिड नंबर होगा तभी टाइप कास्टिंग वर्क करेगी दूसरे केसेस के अंदर टाइप कास्टिंग वर्क नहीं करेगी तो हम फ्रीक्वेंटली टाइप कास्टिंग को भी यूज करते हैं पाइथन के अंदर टू कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू सेकेंड डेटा टाइप हम चाहें तो स्ट्रिंग के अंदर भी टाइप कास्ट कर सकते हैं यानी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ए इज इक्वल टू या एक नंबर ले, ले लेते हैं थ्री पॉइंट वन फोर अब इसे अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस टी आर ऑफ ए एंड अब हम प्रिंट करवा सकते हैं टाइप ऑफ ए से सेव कर लेते हैं रन करते हैं और अब हमारे पास ए का टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग की इक्वल यानी अब ये नंबर नहीं है अब ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट एक स्ट्रिंग आ गई है जिसका हमने टाइप प्रिंट करवाया है तो अभी तक हम पाइथन के अंदर सीख चुके हैं कि वेरिएबल्स डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं हम आउटपुट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं तो नेक्स्ट चीज जैसे हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास इनपुट इन पाइथन यानी हम किस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं यूजर से इनपुट लेने का बेसिक मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नहीं है उसकी वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा यानी रन कर रहा होगा और उस हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस इनपुट को किस तरीके से लिया जाए पाइथिन के अंदर इनपुट लेने के लिए हम अपनी इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं विच इज यूज टू एक्सेप्ट की फॉर एग्जाम्पल इनपुट लेने के लिए हम लिख सकते हैं इनपुट एंड इनपुट को हम कुछ इसी तरीके से लिखते हैं जैसे हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं और इनपुट के अंदर हम कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं साथ के साथ जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर नेम एंड इस तरीके से कोलन से सेव कर लेते हैं एंड जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा यही सेम स्टेटमेंट यानी हमारे पास प्रिंट होकर आएगा एंटर योर नेम बट उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा यानी एंड नहीं हो जाएगा मतलब अभी भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और हम चाहें तो कोई एक नई वैल्यू है जो यहां पर लिख सकते हैं अपने टर्मिनल विंडो के ऊपर मैं यहां पर अपना नेम लिखने वाली हूं खापरा फॉर मैंने ये नाम यहां पर लिखा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी वैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म होगा प्रोग्राम कैसे खत्म हुआ कैसे पता चला जब मेरे पास दोबारा से मेरे फोल्डर का नाम प्रिंट होकर आ जाएगा यानी ये जो वैल्यू है ये मैंने एज एन इनपुट पास की अपने प्रोग्राम को अब हम चाहते तो इस वैल्यू को यानी ये जो वैल्यू मैंने पास की है लिखकर टर्मिनल के ऊपर इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकते थे जैसे हम एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड बाद में हम इसी नेम की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई राइट यू या यहां पर लिख सकते हैं वेलकम एंड फिर हमारा नाम इसे कर लेते हैं सेव एंड री एग्जीक्यूट री रन करने के बाद अब हमें क्या करना है कह कैरा एंटर योर नेम तो यहाँ पर मैं एंटर करने वाली हूँ श्रद्धा जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरे पास प्रिंट होकर आया वेलकम श्रद्धा ये कैसे प्रिंट होकर आया इनपुट से मैंने कोई भी वैल्यू है जैसे इनपुट दे दिया है तो पाइथन क्या करेगी उसे इस वेरियबल नेम के अंदर स्टोर करा देगी उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे वेलकम नेम तो फिर हमारा नेम हमारे पास प्रिंट होकर आएगा हम चाहें तो कोई नंबर भी पास कर सकते हैं हम चाहें तो कोई और वैल्यू भी पास कर सकते हैं जैसे यहां हम लिख सकते हैं एंटर योर एज कुछ इस तरीके से एंड इसे कर लेते हैं सेव एंड यहां पर यू एंटर्ड सेव एंड री एक्सिक्यूट यहां हम एज एंटर कर सकते हैं लेट सपोज आई राइट फोर्टी फाइव एंटर किया तो हमारे पास आया यू एंटर फोर्टी फाइव तो वही सेम वैल्यू हमारे पास रिवर्ट बैक होके एक् होकर हमारे पास वापस आ जाएगी अब एक स्पेशल चीज जब भी हम पाइथन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं हमेशा हमारा जो रिजल्ट होता है इनपुट स्टेटमेंट का वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है यानी यहां पर लेट सपोज एंटर सम वैल्यू हम किसी वैल्यू को एंटर करवाना चाह रहे हैं एंड फिर हम क्या करेंगे उस वैल्यू का हम टाइप प्रिंट करेंगे तो यहां पर आई एम गोइंग टू प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू एंड फिर हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश इन फैक्ट लेट्स री रन तो हम शुरुआत में एक वैल्यू प्रिंट करते हैं लेट्स सपोज हमने अपना कॉलेज लिखा तो इसने एंटर करा दिया प्रिंट करवा दिया कि अपना कॉलेज क्या है एक स्ट्रिंग है और उसी स्ट्रिंग को इसने प्रिंट करवा दिया अब नेक्स्ट टाइम हम उसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू एंटर सम इन टीजर वैल्यू मैंने एंटर किया ट्वेंटी बट ट्वेंटी वैल्यू क्या है इसका भी टाइप क्या है स्ट्रिंग टाइप है इनफैक्ट अगर हम यहां पर कोई डेसिमल वैल्यू नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन अगर एंटर करें तो भी इसका टाइप हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा क्योंकि जब भी इनपुट किसी भी वैल्यू को एंटर करवाता कर है तो चाहे ही वो कोई नंबर हो उसे नंबर लेने के बजाय इनपुट क्या करता है उसे एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो इंटीजर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू की बात करें तो फ्लोटिंग वैल्यू कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी तो सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं किसी फ्लोटिंग वैल्यू या किसी और वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं तो उनके अप्रोप्रिएट डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग को यूज करना पड़ता है यानी जो भी वैल्यू इस इनपुट से हमारे पास आ रही है अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होगी तो इनपुट को हम सराउंड कर देंगे अपने इस इंटीजर से यानी जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं फॉर जैसे हम लिख सकते हैं इंट ऑफ फाइव वैसे ही अब इसकी जगह सिंपली हमें क्या लिखना है पूरा लिखना है इनपुट एंड एंटर सम वैल्यू तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी अब हम उसे एक इंटीजर वैल्यू के अंदर टाइपकास्ट कर देंगे इस बार अगर अगर सेव करके अपने कोड को रन करें तो हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं 25 तो इस बार 25 का टाइप हमारे पास इंटीजर आ गया जिस तरीके से हमने इंट किया वैसे ही हम फ्लोट कर सकते हैं सेव किया एंड री रन करते हैं तो इस बार अगर हम 25 एंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्लोट एंड प्रिंट होकर आएगा 25.0 तो इस तरीके से पाइथन के अंदर हम किसी भी वैल्यू को इनपुट की तरह ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट सपोज हम अपना नाम एज एंड अपने मार्क्स को इनपुट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम तो इसके अंदर हम नॉर्मली इनपुट ले सकते हैं अपना नेम एंटर नेम इस तरीके से उसके बाद हम अपनी एज को एंटर करा सकते हैं इनपुट एंटर एज फिर हम अपने मार्क्स को एंटर करा सकते हैं इनपुट एंटर मार्क्स एंड फिर हम प्रिंट कर सकते हैं लेट्स सपोज वी राइट वेलकम एंड फिर हमारा नाम नॉट श्रद्धा आर नेम वेरिएबल उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं आर एज इक्वल टू एंड देन हम प्रिंट कर सकते हैं अपने मार्क्स को इसे कर लेते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट हम नेम में एंटर कर सकते हैं अपना नेम एज में एंटर कर सकते हैं अपनी एज मार्क्स के अंदर एंटर कर सकते हैं अपने मार्क्स तो अभी तो हमारे पास ये जो ट्वेंटी फोर है नाइन्टी फोर पॉइंट फोर है ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं बट इन्हीं को इनपुट के टाइम पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू इंटीजर एंड मार्क्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू फ्लोटिंग वैल्यू सेव किया री एग्जीक्यूट किया एज सच कोई चेंज नहीं आएगा बट इस तरीके से हम जनरली अपने प्रॉपर प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं जिसमें हम शुरुआत में किसी वैल्यू को हो सकता है इनपुट कर रहे हो फिर उस वैल्यू के ऊपर हम हो, हो सकता है कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और फिर फाइनली हम किसी आउटपुट को प्रिंट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो जितने भी बेसिक्स ऑफ पाइथन थे यानी जो इंट्रोडक्शन होता है पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट आ जाता है वेरिएबल्स आ जाते हैं डेटा टाइप्स आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशन आ जाते हैं वो सारी चीजें हमने अपने चैप्टर वन के अंदर कवर कर ली है एंड अब फाइनली हम बढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ अब दिस इज आर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करें सबसे पहले तो कोशिश करनी है क्वेश्चन को हम देख लें उसको हम समझ लें मेरे साथ आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं उसके बाद हमेशा लेक्चर को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है अगर हमसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है गुड एना फिर आके हम अपना सोल्यूशन के साथ टैली कर सकते हैं अपने आंसर को और अगर सोल्व नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं हमें कोशिश करते रहना खुद से सवालों को सोल्व करने की एंड फिर आकर हम अपने एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड

सबसे पहले हमें इनपुट कराना पड़ेगा अपने फर्स्ट नंबर को तो यहां लिख देते हैं एंटर फर्स्ट या इनफैक्ट इससे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट और हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट नाम से जिसके अंदर हमारी वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी इसी तरीके से हम लिख देते हैं सेकेंड तो हम यहाँ पर सेकेंड को एंटर करा लेंगे और इनपुट लेते टाइम ये वैल्यूज क्या होंगी स्ट्रिंग होंगी तो इन्हें हमें इंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा लेट्स कन्वर्ट इट टू इंट एंड इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे टू सम इंटीजर वैल्यू इनका सम प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इसे कर लेते हैं सेव एंड रन सबसे पहले हमें फर्स्ट को एंटर करना है फर्स्ट में हम एंटर कर लेते हैं नंबर ट्वेंटी सेकेंड में हम एंटर कर देते हैं नंबर एंड आंसर हमारे पास हो जाएगा सम इज इक्वल टू तो इस तरीके से ही हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसे हमने बिल्ड कर दिया है जनरली हमें फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे हो सकता है बड़े वेरिएबल नाम आप ना देना चाहें तो हम इन्हें ए एंड बी भी बोल सकते हैं एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट प्रोग्राम टू इनपुट साइड ऑफ अ स्क्र एंड प्रिंट इट्स एरिया यानी अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं तो हमें क्या करना है ये जो इसकी साइड है इसे हम इनपुट लेंगे एंड स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड के इक्वल इस एरिया को फिर हमें प्रिंट करवाना है हम चाहें तो साइड को इंटीजर की तरह भी ले सकते हैं हम चाहें तो साइड को फ्लोटिंग वैल्यू की तरह भी ले सकते हैं लेट्स टेक इट एज अ फ्लोटिंग वैल्यू अपने कोड को लिखने के लिए हम यहां पर अपने वेरिएबल को कह सकते हैं साइड एंड एंटर स्क्वायर साइड हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं टाइपकास्ट कर देते हैं टू फ्लोट एंड फिर हमें अगर एरिया को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड विच इज साइड स्क्वायर सेव कर देते हैं एंड लेट्स रन इट सबसे पहले हमें एंटर करनी है अपनी साइड तो लेट सपोज हमारे स्क्वायर की साइड है फोर के इक्वल तो फोर का स्क्वायर हमारे पास सिक्सटीन प्रिंट होकर आएगा सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन हम चाहते तो यहाँ पे डबल एस्टरिस्क यानी साइड टू दी पावर टू भी कर सकते थे तो वो भी हमें सेम आउटपुट रिटर्न करके देता एग्जीक्यूट करते हैं स्क्वायर की साइड इस बार अगर टेन हो जाएगी तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का हंड्रेड के इक्वल हमारे पास आ गया है हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज यानी हमें दो फ्लोट नंबर्स लेने हैं एक हमारे पास फ्लोटिंग नंबर ए हो सकता है एक हमारे पास नंबर बी हो सकता है दोनों का एवरेज क्या होगा किसी भी दो नंबर्स का एवरेज होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू के इक्वल तो हमें इस वैल्यू को इस एवरेज वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इसे प्रिंट करवाने के लिए यहां पर लिख देते हैं एंटर फर्स्ट तो हमारे पास हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा लेट्स कॉल इट ए एंड इसे हमने ऑलरेडी टाइप कास्ट कर दिया है टू फ्लोटिंग वैल्यू एंड सेकेंड नंबर हमारे पास आ जाएगा लेट्स कॉल इट बी और फिर हमारे पास जो एवरेज होगा दोनों नंबर का दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ये हमारे पास एवरेज हो जाएगा इसे so, रन करते हैं लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर एज सिक्सटीन पॉइंट फाइव एंड लेट्स टेक द सेकेंड नंबर एज थ्री पॉइंट फाइव 16.5 पॉइंट प्लस थ्री दोनों का सम्मिशन हमारे पास 20 के इक्वल होगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो जाएगा तो दोनों नंबर्स का एवरेज हमारे पास होगा 10 के इक्वल जैसे हम एवरेज को प्रिंट करवाएंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 10.0 तो इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट प्रोग्राम जिसे हम लिखेंगे ये कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इन टीजर नंबर्स ए एंड बी प्रिंट ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी यानी अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो उस केस में हमारे पास ट्रू प्रिंट होना चाहिए और अगर नहीं है तो उस केस में हमारे पास फॉल्स प्रिंट होना चाहिए तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं दो इंटीजर नंबर्स को हम इनपुट करा सकते हैं और हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इसे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तो अगर ये एक्सप्रेशन सच होगा तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा एक्सप्रेशन सच नहीं होगा तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा तो सबसे पहले तो अपनी दो नंबर्स को इनपुट ले लेते हैं एंड इन्हें टाइप कास्ट कर देते हैं टू इंटीजर वैल्यूज और अपने एक्सप्रेशन के अंदर हमें सिंपली प्रिंट करवाना है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी को सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करेंगे हमारा फर्स्ट नंबर है लेट्स सपोज फिफ्टीन सेकेंड नंबर है हमारे पास टू अब हमें पता है फिफ्टीन ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो होता ही है तो उस केस में हमारे पास ट्रू आ गया और वहीं पर अगर हम ऑपोजिट ले लेते यानी फर्स्ट नंबर को हम टू ले लेते ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू फिफ्टीन उस केस में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आ गया तो इस तरीके से हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है एंड आई होप कि पाइथन के अंदर जो हमारा लेक्चर वन था उसने हमें काफी सारी चीजें सिखाई होंगी अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन तो यहीं पर हमारा चैप्टर वन फिनिश अप होता है चैप्टर के जो स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे उन्हें जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर पाइथन के बारे में हम काफी कुछ चीजें सीखे होंगे एंड डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं अबाउट पाइथन तो आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टल दिन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग